तो लोकसभा चुनाव के बीच यूपी के 3 अलग अलग जगहों से चुनाव के बहिष्कार की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां लोगों ने उनकी समस्या का समाधान ना होने तक वोट ना देने की बात कही है। एक ओर जहां प्रशासन की ओर से वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रचार किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के खूबसूरत शहरों में गिने जाने वाले मथुरा के मुखराई गांव की है, जहां बुनियादी समस्याओं का समाधान ना हो पाने से मुखराई और कोहनई गांव के लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम वोट नहीं डालेंगे। खेतों में बनी हुई है, जब तहसील को हमको मथुरा जाना पड़ता है, ब्लॉक है, खाद बीज कोई कुछ काम नहीं मिलता है, पशुओं को दिखाने जाते हैं तो वो लोग कहते हैं यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, राल जाइए। तो ये हमारी ये 3-4 समस्याएं, पहले 3-4 पशु मरे और यहाँ पे पशु मर जाते हैं, डॉक्टर तक नहीं आते। इसीलिए हमने सब लोगों ने इस गांव वालों ने मिलकर के ये बहिष्कार किया। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि उनकी 3 प्रमुख समस्याएं हैं, सड़क निर्माण कार्य और गांव को तहसील और ब्लॉक में जोड़ा जाए। मुखराई गांव के करीब 2200 मतदाता हैं और उन्होंने मतदान ना करने का फैसला लिया है, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि गांव में विकास नहीं कराते तो उनके लिए मतदान क्यों करें। 15 दिन पहले हमारे यहाँ गाँव में पूरे गांव की एक बैठक हुई थी, उसमें 3 निर्णय लिए गए, अडिंग टू मुखराई सड़क ब्लॉक और तहसील, और 15 दिन में यहाँ प्रशासन की कोई भी कोई न बंदा आया न कोई सुनवाई हुई। ये हमारी जो समस्या है 30 साल हो गई। यूपी के बुलंदशहर से भी 2 अलग अलग जगहों से मतदान के बहिष्कार की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ भी आजादी के बाद से अब तक इन गांवों की तस्वीर और तकदीर नहीं बदली, जिससे लोगों में काफी रोष है और लोग पोस्टर लगाकर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। वोट न पड़ने की वजह है कि गांव में जो मैं आम रास्ता है उस पर पानी भरा हुआ है, वहाँ पे चामड़े मंदिर है, स्कूल आते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है, इस वजह से गाँव ने एकजुटता है वोट न डालने की। अलीगढ़ से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां ग्रामीण गांव में विकास ना होने से चुनाव का बहिष्कार करने धरने पर बैठे हैं। पूर्ण रूप से बहिष्कार है, एक भी वोट नहीं, पूरा गांव यहां पे है। जब तक डीएम साहब यहां नहीं आ जाएंगे और इस व्यवस्था को हमारे गांव की को नहीं देख लेंगे, तब तक हम इस चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। अच्छा, कोई अधिकारी अभी नहीं आया? सर, कोई अधिकारी नहीं आया। लोगों का कहना है कि उन्होंने सांसद से लेकर अन्य जनप्रतिनिधियों से इसकी शिकायत की है, लेकिन उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे लोगों में आक्रोश है और लोग मतदान केंद्र के बाहर बैठकर मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण जारी है। गाजियाबाद के सेक्टर 5 वसुंधरा स्थित सोसाइटी में मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया और सुबह 8 बजे से ही मतदान स्थल पर जुटी रही वोटरों की भीड़, और साथ ही मतदाताओं ने भारी संख्या में मतदान करने की दूसरों से भी अपील की। तो मतदान के बाद लोगों ने तस्वीरें भी खिंचाई और किस तरीके से उन्होंने वोट कास्ट किया है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। अलग अलग मतदाताओं की तस्वीरें हैं, हर आयु वर्ग के मतदाता वोट करते हुए नजर आए, उनमें उत्साह नजर आया। और अब लोकतंत्र की ये इबारत जो आप देख रहे हैं उसका परिणाम 4 जून को आएगा। वहीं अलीगढ़ में मंत्री संदीप सिंह ने अपने पैतृक गांव मधोली पहुंचकर मतदान किया है। मतदान के बाद मंत्री संदीप सिंह से बात की हमारे संवाददाता धीरेन्द्र सिंह ने, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संदीप सिंह हमारे साथ हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। आज अपने गांव में वोट डालने के लिए आए और इनसे हम जानेंगे कि यहाँ किस तरह का माहौल है, यहाँ जो है जो अभी जो है इनके द्वारा वोट डाला गया और बाहर निकले, अभी हम इनसे बात करते हैं। मंत्री, आपके द्वारा वोट डाला गया, किस तरह का माहौल है, अब क्या है?
देखिए हमने अपने वोट को कास्ट किया है और मुझे यकीन है कि ये देश की जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम सब लोग वोट करेंगे और देश में फिर से इस सकारात्मक दिशा में चलने वाली, विकास को आगे रखने वाली सरकार को हम सब लोग मजबूत बनाते हुए मोदी जी की सरकार को फिर एक बार हम सब लोग चुन करके लाएंगे। भाजपा प्रत्याशी के विरोध में तमाम ब्राह्मण सभाएं हुई, छत्री सभाएं हुई, तमाम लोगों के द्वारा विरोध किया। आपके गाँव में भी आज कुछ लोगों ने कहा कि हमने आज तक सांसद को नहीं देखा, क्या कहेंगे? देखिए मुझे नहीं लगता कि हमें विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, सरकार के कार्यों के माध्यम से हम हर एक वर्ग तक पहुंचे हैं और ये संभव होना कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं हर एक व्यक्ति तक, हर एक गांव तक वो समय समय पे पहुंच सके, उससे ज्यादा हमें प्राथमिकता ये देनी चाहिए कि जब हमारा जरूरत के समय हमारे साथ में, हमें जब सरकार की आवश्यकता हो तो सरकार हमारे साथ में खड़ी हो। और हमारी सरकार, मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं, हर एक व्यक्ति के अच्छे में और बुरे में हमारी सरकार, मैं स्वयं, हम सब लोग मिलकर के एक टीम के रूप में काम करते हैं। न्यूज़ स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। तो झांसी में पांचवें चरण में चुनाव होना है जिसको लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन प्रक्रिया को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के चारों ओर सुरक्षा का अचूक घेरा बनाया गया है। वहीं वाहनों का रूट प्लान भी तैयार किया गया है जिसको समय आने पर लागू किया जाएगा। में पांचवें चरण में चुनाव होना है जिसको लेकर झांसी में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि 26 अप्रैल से 3 मई तक झांसी में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी जिसको लेकर यहां पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है और काफी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। हमारे साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो अन्य थानों के पुलिस बल है वहाँ पर तैनात किया गया है। और यहाँ पर जो बताया गया है कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान एक प्रत्याशी के साथ में 5 लोग अंदर जाने की अनुमति है, वहीं अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी है तो वह अपने साथ 10 प्रस्तावकों को लेकर अंदर जा सकता है। हमारे साथ में एसपी सिटी साहब मौजूद है। जैसा आप देख रहे हैं कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 2 से जो भी नामांकन करने के लिए प्रत्याशी आएंगे उनकी एंट्री है, वहाँ पे हम लोगों ने बैरियर लगाए हुए, चेकिंग फ्रिस्किंग की भी व्यवस्था कराई गई है। और जो कलेक्ट्रेट के चारों तरफ हम लोगों ने जो भी रोड इनकमिंग रोड है सब पे हम लोगों ने बैरियर लगाए हुए हैं और फोर्स जगह जगह लगाया हुआ है। जरूरत पड़ने पर हम लोग वहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे और हम लोग सुरक्षा की पूरा पुख्ता व्यवस्था की हुई है। जैसा आपको ज्ञात होगा कि अंदर जो गेट नंबर 2 के अंदर जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उनके साथ, कैंडिडेट के साथ 4 प्रस्तावक जाएंगे तथा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके साथ 10 लोग प्रस्तावक के रूप में जा सकते हैं। ये थे हमारे साथ में एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, जिन्होंने बताया है कि झांसी में जो नामांकन प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए झांसी की पुलिस पूरी तरीके से चाक चौबंद बनी हुई है। कैमरा पर्सन अमित रावत के साथ रवि परिहार, न्यूज स्टेट झांसी। गाजियाबाद के लोनी में मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता यशपाल कसारा ने और वोटरों से बातचीत भी की है, देखिए। 2024 के दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी आज मतदान सुबह से शुरू हुआ और लगातार अभी तक जारी है। इस समय हम गाजियाबाद के लोनी में मौजूद है। लोनी में बलराम नगर ये बूथ है जो ये लोनी का आदर्श बूथ इसको बनाया गया है। और यहाँ पर अगर बता दें फिलहाल की स्थिति तो बड़ी संख्या में लोग अभी भी मतदान करने के लिए आ रहे हैं। लोगों में उत्साह है मतदान के लिए। कुछ लोग हैं जो वोट डालकर आए हैं, तो बात करते हैं कि भैया क्या नाम आपका? डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता नाम है सर मेरा। अच्छा, वोट डालकर आए हैं? जी सर। उंगली जरा एक बार दिखा दीजिए। जी सर। वोट डालकर आए हैं और किन मुद्दों को लेकर वोट डाल लिया? सड़क सुरक्षा, काम और रोजगार, यही हमारे मुद्दे हैं। एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा हमारे, तो डेवलपमेंट। क्या नाम है? राहुल गुप्ता। वोट डाल कर आए हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? जी डेवलपमेंट इज द मेन मुद्दा है, तो उसी के बेसिस पे डाल के आए हैं। मोदी जी को जिताएंगे। मोदी जी को। तो ये हैं जो लोग यहाँ पर वोट डालने, ये लोग जो वोट डालने यहाँ पर आए हैं और अपने जो इन्होंने मुद्दे बताए उनको लेकर ही वोट कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित में वोट करने की बात लोग कर रहे हैं। यशपाल कसाना, न्यूज़ स्टेट, लोनी, गाजियाबाद।